ढोल की थाप, मूंगफली, रेवड़ी और गच्चक, मतलब ये पंजाब की तरफ से है आपको हैप्पी लोहड़ी। सर आप लोग भी एक बार कर दीजिए। हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। सेक्टर 17 चंडीगढ़ से सारे देशवासियों को हैप्पी लोहड़ी। यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत मुबारकें और आप खुश रहें, पूरा साल एंजॉय करें। चलिए तो आपको बता दें कि पूरे पंजाब में लोहड़ी की धूम है, लोहड़ी की खुशियां बनाई जा रही है अलग अलग जगहों पर। और मेरे साथ भी यहाँ पर रंग पूरी तरह से जमा हुआ है, सारा रंग मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पर किस तरीके से लोहड़ी मनाई जा रही है। शगुफ्ता बताइए जरा डिटेल्स। जी नवजोत, लख लख बधाइयां तुहानूं सारिआं नूं ते देशवासियां नूं भी लख लख बधाइयां। देखिए एक बार फिर से सबको लोहड़ी की लख लख बधाइयां। तो हो जाइए तैयार हमारे साथ लोहड़ी के इस महा सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए, क्योंकि खुशियों के इस त्यौहार की धूम पूरे देश में देखी जा सकती है। लोग नाच गाकर खुशहाली की दुआ कर रहे हैं, नवजोत को आप देख ही सकते हैं। और लोहड़ी पर लोग आग जलाकर उसके चारों तरफ नाचकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। ये त्योहार नई फसल का सेलिब्रेशन माना जाता है। ये त्योहार खुशहाली का प्रतीक माना जाता है और हमारी भी यही दुआ है कि तमाम नेगेटिविटी स्वाहा हो जाए और सबका जीवन पॉजिटिविटी से भर जाए। लोहड़ी का रंग जमा है, उत्साह की उमंग है, जोश और जश्न का माहौल है। लोग झूम रहे हैं और परंपरागत नृत्य के साथ यहाँ लोहड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। ये तस्वीर अमृतसर की है। ठंड के बीच लोहड़ी के मौके पर यहाँ मूंगफलियों से लेकर गुड़ की मिठास हर जगह महसूस की जा रही है। लोहड़ी के इस जश्न में भले ही पंजाब की माटी की खुशबू हो, लेकिन इस त्योहार का रंग हिंदुस्तान के शहर शहर में जमा है। लोहड़ी केवल एक त्योहार भर नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर जिंदगी को सेलिब्रेट करने का मौका है। लोहड़ी साल का पहला त्योहार होता है, इसकी रौनक नए साल में कदम रखते ही शुरू हो जाती है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक लोहड़ी पौष माह की आखिरी रात को मनाई जाती है। ये त्योहार सिख समुदाय के लिए बेहद खास है। नई शादियों वाले घरों या फिर किसी नन्हे मेहमान का स्वागत कर चुके परिवारों के लिए लोहड़ी और भी खास हो जाती है। लोहड़ी का उल्लास आग के चारों ओर जश्न से शुरू होता है, लेकिन इस त्योहार का असल रंग तब जमता है जब इसमें मूंगफली, रेवड़ी, गजक और तिल की मिठास घुलती है। लोहड़ी पर दुल्ला भट्टी की कहानी सुनने सुनाने का भी रिवाज है और पारंपरिक तौर पर लोहड़ी फसल की बुआई और कटाई से जुड़ी खुशी को सेलिब्रेट करने का भी मौका है। फिलहाल हिंदुस्तान लोहड़ी का जश्न धूमधाम से मना रहा है। लोहड़ी के मौके पर पंजाब से लेकर हरियाणा तक नई फसल का स्वागत किया जा रहा है। लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं और एक दूसरे को लोहड़ी की बधाइयां दे रहे हैं। दो साल बाद खुलकर जश्न का मौका आया है और इस मौके पर हर कोई जी भरकर लोहड़ी को सेलिब्रेट करने के मूड में है। नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए पूरे देश भर से लोहड़ी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोहड़ी का शानदार उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। उमंग से भरा रंग दिखाने के लिए अब आपको सीधे चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जहां से सुबह से लोहड़ी का सेलिब्रेशन शुरू हो गया। लोगों ने रेवड़ी गचक खिलाकर लोहड़ी की मिठास खोल दी है। और लोगों ने केवल एक दूसरे का मुंह ही मीठा नहीं करवाया, बल्कि ढोल की थाप पर जमकर गिद्दा भी डाला। और लोहड़ी केवल एक त्योहार ही नहीं, बल्कि ये जिंदगी का उत्सव माना जाता है। तो देर किस बात की, हैप्पी इसमें शरीक क्यों नहीं होते। नच
जाओ हो जाए सुंदर मुंदरी हो जाए आ जाओ फिर आ जाओ सुंदर मुंदरी है तेरा कौन बेचारा दुल्ला पट्टी वाला दुल्ले ती वे आई फेर चक्कर पाई। देखिए असली कलर हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि दिन अभी ढला नहीं लेकिन ढलने के बाद लोहड़ी जलाई जाती है, पर अब यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है एकदम ट्रेडिशनल अटायर में। देखिए ये दिल्ली वाली सर्दी का नतीजा है कि मैंने आज फुलकारी नहीं ली है। पका कबूतर अखियां शरबती पका कबूतर अखियां शरबती बिच कजले दा जोड़ा वे कैसा लग रहा है आज के दिन, क्या क्या प्लान्स हैं आपके? बहुत बढ़िया लग रहा है आज का दिन क्योंकि यही ऑफिस से फर्स्ट मतलब फर्स्ट टाइम इतनी बढ़िया धूमधाम ना लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे हाथ में आ चुकी है थाली, लेकिन उससे पहले आज के दिन आप क्या फोकस रहता है, क्या कुछ खास करते हैं? आज के दिन ता अपनी ट्रेडिशनल लुक अपा वेयर करते हैं फैमिली के साथ इकट्ठे होते हैं, सारे डिफरेंट रिलेटिव्स को बुलाते हैं घर पे, सारे बहुत ये बॉनफायर टाइप करते हैं हम। तो जो एक्चुअल परंपरा है चलिए हम उसकी भी शुरुआत कर देते हैं क्योंकि बॉनफायर शुरुआत हो चुकी है। और एक और बोलिए ध्रुव है ना, और इसके साथ ही साथ देखिए नव जो घर में नया बच्चा पैदा होता है उसकी लोहड़ी होती है, नव विवाहितों की पहली लोहड़ी होती है, और किसान के लिए भी ये पर्व बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अग्नि के समक्ष खड़े होकर आहुति देने के बाद इस पर्व की शुरुआत की जाती है। मेरे हाथ में है पॉपकॉर्न, पंजाबी जी कहते फुल्ले एंड मूंगफली, तो आज शुरुआत यहीं से करेंगे। हैप्पी लोहड़ी। किसे दमाइया डिप्टी लगा किसे दखानेदार, किसे दमाइया डिप्टी लगा किसे दखानेदार, मेरे माये दी वड्डी नौकरी करदा विच बाजार, मेरे माये दी वड्डी नौकरी करदा विच बाजार। कदवी कदे हां करके कदे हूं करके कदे हां करके जेड़ा दे दे निमटियारे लम्मी टुडे पर। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ मैं नवजोत रंधावा चंडीगढ़ से। तो नवजोत हमारे साथ जुड़ी हुई है। नवजोत मेरी आवाज आ रही है अब तक? कहते कदे हां करके कदे हूं करके गेड़ा दे देनी नवजोत साडा नाल है के शगुफ्ता। अगर आपका सवाल मेरे से है तो मैं सीधा आपको कलर दिखा देती हूँ यहाँ का। गेड़ा दे देनी मुटियारे लम्बी बाह करके, देखिए यही कलर यहाँ पर लोहड़ी का है। बोलिया कंटिन्यू, बोलिया कंटिन्यू। लोकां दे माइए लम्ब सलम लोकां दे माइए लम्ब चढ़म में लोकां दे माइए लम्ब चढ़म में मेरा माइया गिट मिटिया जिवें जिटी रोड ते फिट फिट जिवें जिटी रोड ते फिट फिटिया जिवें जिटी रोड ते फिट फिटिया। अच्छा इधरों नहीं आई बोली कोई? बोलिया खटन गया सी बारी बरसी खटन गया सी बारी बरसी खटके लियांदा पतासा खटके लियांदा पतासा सर कोल कुंड कट दी नंगा रख दी क्लिप वाला पासा सर कोल कुंड कट दी नंगा रख दी क्लिप वाला पासा सर कोल कुंड कट दी। कंटिन्यू कंटिन्यू। सानू तो कहंदा बाहर नहीं जाना सानू तो कहंदा बाहर नहीं जाना आप तराइयां करदा नहीं पतला जिया माइया जान मुठी विच रखदा नहीं पतला जिया जान मुठी विच रखदा नहीं पतला जिया माइया जान मुठी विच रखदा नहीं पतला जिया माइया। शगुफ्ता मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बहुत यहाँ कर रहे होंगे क्योंकि लोहड़ी पे कम से कम पूरा रंग मेरी कोशिश है कि मैं आपको यहाँ से दिखाऊं। जी चलिए नवजोत लौटते हैं आपके पास। अब देखिए भाई लोहड़ी का असली रंग तो दिन ढलने के बाद ही जमता है, बाकी अदिति आप बताइए। जी हाँ, जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं आग जला दी जाती है ढोली आती है तो लोहड़ी का अलग ही रंग जमता है। और वैसे तैयारियां तो कई दिन पहले शुरू हो जाती हैं और आजकल तो लोहड़ी से पहले ही उसके सेलिब्रेशन से जुड़े आयोजन शुरू हो जाते हैं। घरों के साथ बाजारों में भी लोहड़ी की रौनक देखने ही मिलती है। इसी रौनक पर दिल्ली से हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। आज लोहड़ी का त्योहार है, बाजार गुलजार है, शाम को बड़े ही
धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले बाजारों में किस तरह की रौनक है, किस तरह का उमंग उल्लाह और उत्साह नजर आ रहा है, वो हम आपको गीता कॉलोनी से तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। और देखिए लोहड़ी ये जो त्योहार होता है ना, ये फसलों के लिए समर्पित होता है और इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के तिल गुड़ और ये जो चीजें हैं ये शाम को लोहड़ी जब मनाई जाएगी तब उसमें समर्पित भी किया जाएगा, आपस में बांटा भी जाएगा, प्रसाद भी चढ़ाया जाएगा। लेकिन आप देखिए 2 साल जब कोरोना काल के बीते उसके बाद ये एक बड़े त्योहार के रूप में इसे मनाया जाएगा, क्योंकि पिछले 2 साल में हमने देखा कि किस तरह से सभी त्योहारों की लगभग जो रौनक है वो फीकी पड़ गई थी। लेकिन अब सड़कें भी गुलजार हैं, बाजार भी गुलजार हैं और लोगों के चेहरे पर रौनक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक उत्साह जो है वो भी हमें कहीं ना कहीं नजर आता है। और यहाँ पर जो मेरी मौजूदगी गीता कॉलोनी में है, यहाँ पर तरह तरह के अलग अलग तरह के जो पकवान है वो बन रहे हैं, बिक रहे हैं, लोग भी दूर दूर से इन्हें खरीदने के लिए आ रहे हैं। हम कहाँ से आए हैं? हम कृष्णा नगर से आए हैं। ये बताइए क्या क्या खरीद कर ले जा रहे हैं आज? हम सब तरह की वैरायटी थोड़ी थोड़ी ले जा रहे हैं। तिल के लड्डू हैं, रेवड़ी, मूंगफली, ये सब चीजें अपनी बेटी को भी देनी है और अपने घर के लिए भी खरीदी है। कितने उत्साहित हैं आज आप इस त्योहार को मनाने के लिए? नेचुरल है जी मैडम, लोहड़ी हर साल मनाई जाती है ढंग से। 2 साल तो ये तो थी दिल्ली में लोहड़ी के जश्न की तैयारियां। लोहड़ी में चंडीगढ़ में कैसी धूम होती है और दिल्ली में कैसी रौनक है, हमने आपको सब दिखाया। वैसे जब फेस्टिवल्स की बात आती है तो मुंबई भी पीछे नहीं रहता। हमारी टीवी और फिल्मी सितारे भी त्योहारों को पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाते हैं। और चलिए रुक कर लेते हैं, वापस नवजोत के पास चलते हैं, चंडीगढ़ में मौजूद हैं सेक्टर 17 में। नवजोत, घर में कोई बच्चा पैदा हो, किसान की अच्छी फसल हुई हो, अगले साल आने वाली फसल की अच्छी कामना के लिए रीजंस बहुत सारे होते हैं पंजाबियों के पास लोहड़ी को सेलिब्रेट करने के लिए। आप पीछे बस रंग दिखाइए, आप वहां पर मौजूद हैं तो इस वक्त क्या चल रहा है? गिद्दा पैदा पे उठे नवजोत, मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? तो चलिए ज्यादा वक्त ना गवाएं, हम सीधा सेलिब्रेशन पे ही चलते हैं। लीजिए, सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। एक बोली वो पिंडा विचों पिंड सुनींदा, पिंड सुनींदा माड़ी, उथों दियां दो कुड़ियां सुनींदियां, एक पतली एक बारी, पतली दा ते ब्याह हो गया, भारी रगी कवारी, आपे लै जाणगे जिन्हां नूं लगू प्यारी, आपे लै जाणगे जिन्हां नूं लगू प्यारी, आपे लै जाणगे। शुरू हो गई है क्योंकि मकर संक्रांति के पर्व को लेकर भी बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। अलग अलग तरह की पतंगे आपको बाजारों में नजर आ जाएंगी। गुरदासपुर के बाजार में भी पतंगे, रंग बिरंगी पतंगे नजर आ रही हैं। जी नवजोत, आपको पता होगा कि मेरी एक्साइटमेंट पतंगबाजी को लेकर कितनी ज्यादा है। मैं पिछले 4 दिन से लगातार बात कर रही हूँ और देखिए देश के ज्यादातर हिस्सों में पतंगों के शौकीन लोग हैं, वो आपको मिल जाएंगे। पंजाब में भी पतंगों के शौकीनों की कमी बिल्कुल नहीं। तो लिए चलते हैं आपको गुरदासपुर और दिखाते हैं वहाँ कैसे जम रहा है पतंगबाजी का ये शानदार रंग। देखिए जरा,
आसमान में इठलाती, इतराती और बलखाती रंग बिरंगी इन आकृतियों को देखी। हवा के परों पर उंगलियों के इशारों पर नाचती अलग अलग आकृतियां वो पतंगे हैं जो बता रही हैं कि आसमान हमारा है। कई फीट लंबी और चौड़ी पतंगों को लोहड़ी के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है, जिन्हें पंजाब के गुरदासपुर में रहने वाले संजीव कुमार ने अपने हुनर और कल्पना के रंगों से सजाया है। समझ लो कि उड़ान की इच्छा जड़ी चीज दे विच करदा वा ना वो बनाना वा ते वो सक्सेस हो ही जांदी। इनमें 6 से लेकर 14 फीट तक लंबी चौड़ी पतंगे शामिल हैं, जिनमें किसी को स्पाइडरमैन जैसा लुक दिया गया है तो किसी को इंसानी शक्ल में ढाला गया है। चमचड़िका, टोपियां, मिकी माउस, बंदर, ये सब बनाने शुरू किए थे, सारे तकरीबन सक्सेस ही रहे हैं मेरे। संजीव ने यूट्यूब से इस तरह की पतंग बनाना सीखा, सफलता मिली तो लोकप्रियता भी बढ़ती चली गई। थोड़ी वड्डी बनानी शुरू की थी ते कहे ने क्या के कोई चीज होर भी बन सकती, मन च इच्छा एक आई, किसी ने की कहना वा ते ओ मोबाइल ते वेख वेख के ना बड़ा कुछ अंग्रेज उड़ांदे ने ते ओना वाल वेख वेख के थोड़ा जा बनाने जी कीता। ते संजीव पतंगबाजी का शौक पूरा करने के लिए सादे मांझे का ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। कोशिश ये संदेश देने की है कि पतंगबाजी खुशियों में रंग भरे और किसी को परेशानी ना हो। विशंबर बिट्टू, गुरदासपुर, गुड न्यूज टुडे। तो जैसा आप जानते हैं आज लोहड़ी है और लोहड़ी के बाद आती है मकर संक्रांति और इस दिन देश के ज्यादातर हिस्सों में जमकर पतंगबाजी होती है। लेकिन पतंगबाजी का जो क्रेज गुजरात में दिखता है उसकी बात ही अलग है। मकर संक्रांति पे पूरे गुजरात के आसमान में केवल पतंगे ही पतंगे नजर आती हैं। जी हाँ, चलिए सीधा चलते हैं नवजोत के पास और देखिए पतंगे भले ही मकर संक्रांति पर उड़े लेकिन पतंगों की खरीदारी कई दिन पहले शुरू हो जाती है। नवजोत, ओवर टू यू। देखिए पतंगों का जिक्र आपने किया, अब पतंग उत्सव या कहें कि पतंगबाजी भले ही मकर संक्रांति के दौरान शुरू हो, हालांकि पहले सर्दी का मौसम इतना ज्यादा रहता है कि किसी की हिम्मत नहीं होती कि पतंग उड़ाए, लेकिन पतंगों को उड़ाने की बनाने की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है और ये अहमदाबाद के बाजार में साफ नजर आती है। तो अहमदाबाद के बाजार किस तरीके से रंग बिरंगी पतंगों से पटे हुए हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। दुकानों के बाहर लटकी ये खूबसूरत पतंगे सभी का दिल जीत रही हैं। ये रंग बिरंगी पतंगे शहर की खूबसूरती को चार चांद लगा रही हैं। यह है अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में पतंग वाली गली और मौका है मकर संक्रांति का। ये त्योहार शनिवार को मनाया जाएगा जिसके लिए यहाँ खास तैयारियां की गई है। इसी गली में शुरू से लेकर आखिर तक आपको सभी जगह पतंग और डोर ही डोर दिखाई देंगी। गुजरात में मकर संक्रांति का त्यौहार बड़ा ही खास रहता है। इस दिन आपको हर जगह पर काई पोछे, ए लपेट, इसी तरीके की आवाजें सुनाई देती है। इस वक्त हम मौजूद है पतंग बाजार में क्योंकि पतंग ही ये रहती है कि हर जगह पे पतंगबाजी आपको दिखती है और आप देख सकते हैं यहाँ पे दो दिन पहले पतंगबाजी की दो दिन पहले जो पतंग बाजार है वो लोगों से भरा पड़ा हुआ है। यहाँ बाजार में कई तरह की पतंगे मिल रही हैं, फिर चाहे वो छोटी पतंग हो या फिर बड़ी या और बड़ी, यानी ग्राहकों के लिए हर इंतजाम किया गया है। निराश होने की जरूरत नहीं, बस देर है तो यहाँ कदम रखने की। कस्टमर मांगता है कि भाई हमें रामपुर की पतंग चाहिए तो हमें वो भी बनानी पड़ती है। जिस तरह से आप देखिए वो सामने आपको गोल पतंग जो दिख रही है ये रामपुर की बनी, वो गोल वाली पतंग, ये पतंग जो बनी हुई है वो रामपुर कारीगर की बनी हुई है। इसके बहुत से ज्यादा कस्टमर आते हैं और हमें ये पतंग बनानी पड़ती है। वहीं कारीगर भी इन पतंगों को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, वो हर बारीक चीज का ख्याल रखते हैं ताकि एक अच्छी पतंग तैयार हो और लोगों के हाथ में जो भी पतंग आए वो आसमान के बुलंदियां छुए। पतंग बनाते वक्त कमान का ख्याल रखा जाता है, ये कमान है सरकी होना चाहिए। क्या ये वाला? अच्छा, ये देखिए ये जो लकड़ी है ये उसमें क्या मतलब, उसको कैसे आप देखते हैं? यानी वो लकड़ी सही होनी चाहिए, नहीं वाले अखी गोल गोल कमान वाली चाहिए। और तो और ग्राहकों को लुभाने के लिए पतंगे ही नहीं मांझे भी रंग बिखेर रहे हैं। एक से बढ़कर एक मांझा आपके लिए हाजिर है। ये मांझा इस तरह तैयार होता है, खूबसूरत रंग मांझों पे चढ़ाए जाते हैं ताकि मांझे भी पतंगों की तरह मन मोह ले। साथ ही जो बच्चे होते हैं पतंग भले ही कम उड़ाते हैं लेकिन
ये आवाज सबसे ज्यादा आसमान में सुनाई देती है क्योंकि हर किसी को पतंगबाजी करनी रहती है। इतना ही नहीं, इन दुकानों में आपको बच्चों के लिए पीपनी भी मिल जाएगी, यानी जब भी किसी की पतंग कटी तो इसका जश्न इसी पीपनी को बजाकर मनाया जाएगा। तो चले आइए अहमदाबाद के इस पतंग वाली गली में, जहां खूबसूरत मांझा और रंग बिरंगी पतंगे आपके इंतजार में है। गोपी घांगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भाई हिंदुस्तान तो उत्सवों का देश है, जैसे देश में लोहड़ी का सेलिब्रेशन होता है वैसे ही बिहू और पोंगल को भी सेलिब्रेट किया जाता है। असम में बिहू की धूम है, बिहू भी फसलों से जुड़ा हुआ त्योहार है और असम में लोग इसके रंग में आजकल रंगे हुए हैं। जी हाँ, देखिए असम में बिहू है तो दक्षिण भारत में पोंगल मनाया जाता है। नाम भले ही अलग अलग हो लेकिन उत्साह उमंग बिल्कुल वैसे ही नजर आते हैं, जैसे ठीक लोहड़ी के रंग आप देख सकते हैं। लोहड़ी, मकर संक्रांति और बिहू में आपको जो रंग दिखते हैं वैसे ही रंग आपको पूरे देश में दिखेंगे। इन तैयारियों की कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं पूरे देश से, देखिए जरा। कभी कोहरे की चादर से लिपटी सुबह तो कभी गुनगुनी धूप से अलसाए दोपहरी के बीच जनवरी की सर्दी में असम में बिहू के जोश और उमंग की चटक खुमारी अब हर ओर दिखने लगी है। उत्साह से भरे, उमंग से खिले चेहरे निखरने लगे हैं। असम में खेतों की पगडंडियों पर किसानों के कदम खुद ब खुद उमंग से झूमने लगे हैं। क्योंकि ये फसलों के पकने का मौसम है, नए साल के पहले जश्न का मौसम है, लिहाजा पूरे असम में इन दिनों माघ बिहू के रंग हर ओर बिखरे हुए हैं। ये डिब्रूगढ़ में भोगाली बिहू उत्सव की रौनक है। चूंकि फसल पकने की खुशी से ये पर्व जुड़ा है, लिहाजा इसमें भोग की अहम भूमिका है। इस उत्सव में ईश्वर को धन्यवाद देते हुए किसान तरह तरह के पकवान बनाते हैं और उसका भोग लगाते हैं। इस मौके पर नारियल के लड्डू, तिल पीठा और कई दूसरे पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं। बाजारों में बिहू का रंग चढ़ने लगा है, गुवाहाटी में भोगाली मेला लगा है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे भोगाली मेला लगा हुआ है तो सुबह सुबह हम आ गए परचेज करने। यहाँ इस फेस्टिवल का पहला जो है पीठा बनाते हैं हम लोग घर पे, सो गुड़ लेना ही होता है, तिल पीठा बनता है, चावल से बनता है। सो हम सुबह सुबह आ गए, सो इतना कुछ परचेज भी कर लिया। पुडुचेरी में लोक संगीत और नृत्य से सजी इस महफिल पर गौर कीजिए। पोंगल उत्सव की झलक पेश करते इस जलसे में पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी शरीक हुई। इस बार हम G20 कॉन्फ्रेंस में पोंगल मना रहे हैं। भारत को G20 कॉन्फ्रेंस की मेजबानी पर गर्व है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी पकवानों की खुशबू फिजा में महकने लगी है। परंपरागत वेशभूषा और रीति रिवाजों से यहाँ के घर आंगन सजने लगे हैं और साल का सबसे बड़ा उत्सव परवान चढ़ने लगा है। गुवाहाटी से सारस्वत कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो नवजोत, लोहड़ी के शानदार रंग और तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको दिखाते हैं आस्था के रंग। ये चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, जहां लगा हुआ है गंगा सागर मेला। मेले में देश दुनिया से भारी तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं और कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। मकर संक्रांति पे यहां पवित्र स्नान होगा, जिसमें डुबकी लगाने के लिए अभी से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके लिए प्रशासन ने व्यापक बंदोबस्त भी किए हैं।
मकर संक्रांति पर देश भर में गंगा और यमुना के तटों पर मेलों का आयोजन होता है, लेकिन देश का सबसे प्रसिद्ध मेला पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में लगता है। अक्सर कहा भी जाता है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। मकर संक्रांति के मौके पर पुण्य का भागी बनने के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा गंगा सागर पर लग चुका है। मेले की रौनक देखते ही बन रही है, क्योंकि इस पूरे इलाके को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। यहाँ कई भव्य और शानदार गेट भी बनाए गए हैं। सागर किनारे कड़ा पहरा है ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। भीड़ पर नजर रखने के लिए पुलिस, नौसेना और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। 4 वाटर एम्बुलेंस हैं, उसके बाद हम लोगों की करीब 80 से 100 नॉर्मल एम्बुलेंसेज हैं हमारी। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो टेम्पररी हॉस्पिटल्स करे हुए हैं, 6 टेम्पररी हॉस्पिटल्स हैं हमारा। सागर में परमानेंट फैसिलिटी है, कागदीप में हमारी जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेले के चप्पे चप्पे पर यहाँ बने मेगा कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। हर जगह तीसरी आंख का पहरा है, साथ ही आसमान से ड्रोन बारीक नजर बनाए हुए हैं। इस समय हम यहाँ पर मेगा कंट्रोल रूम के अंदर हैं। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोग चाहे लॉटेड पॉइंट हो, चाहे कुचुबेड़िया पॉइंट हो, नामखाना पॉइंट हो, या फिर जो बेनुबन और चिमागुड़ी पॉइंट, इस सब पॉइंट को हम लोग यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। हमारे सीसीटीवीज हैं, हमारे ड्रोन्स हैं, जो कि हमें बताते हैं कि कहाँ पर क्या भीड़ हो रही है, जिस हिसाब से फिर हम लोग अपने पॉइंट इंचार्ज को कम्युनिकेट करते हैं, फिर वो लोग उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। श्रद्धालुओं को लाने और ले जाने वाली बसों और बोट की जीपीएस के जरिए निगरानी की जा रही है, मतलब इस गंगा सागर मेले में स्नान ध्यान से लेकर सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अरे बात गंगा पे तैरते उस महल की जिसकी यात्रा का आज से शुभारंभ हो गया। हम बात कर रहे हैं गंगा विलास क्रूज की। प्रधानमंत्री के हरी झंडी दिखाने के बाद ये क्रूज काशी से डिब्रूगढ़ की यात्रा पे रवाना हो चुका है। जी हाँ, देखिए ये क्रूज जो है वो तमाम सुख सुविधाओं के साथ लैस है। काशी से डिब्रूगढ़ का ये सफर कई मायनों में यादगार होने जा रहा है। ये महज एक जल यात्रा नहीं होगी, बल्कि ये भारत की संस्कृति विरासत की यात्रा भी होगी। ये क्रूज 2 दर्जन से ज्यादा रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगा और 51 दिन की यात्रा में 3000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तमाम यात्री तय करेंगे। ये गंगा विलास क्रूज इस अर्थ गंगा में उसके एक अभियान को नई ताकत देगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की यात्रा के दौरान ये क्रूज हर तरह की सुविधा मुहैया कराएगा। विश्व के सबसे बड़े नदी मार्ग के इस जहाज ने अपनी पहली यात्रा शुरू कर ली है और हम इस वक्त मौजूद हैं गंगा विलास क्रूज के ऊपर। और आप देखिए, वाराणसी के रविदास घाट को इस क्रूज ने छोड़ दिया है और अब ये बढ़ रहा है आगे की तरफ, अपनी यात्रा को शुरू करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा की शुरुआत की है हरी झंडी दिखा करके। इस 3200 किलोमीटर के 51 दिन के क्रूज की शुरुआत की गई है और ये यात्रा वाराणसी से शुरू हो चुकी है, जो अब गाजीपुर, बलिया, पटना, कोलकाता, ढाका होते हुए डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगी। क्रूज 5 स्टार होटल जैसी लग्जरी सुविधाओं से लैस है, जिसमें 3 डेक और 18 स्वीट्स हैं। यात्रियों के लिए 40 सीटों वाले रेस्टोरेंट में कॉन्टिनेंटल और इंडियन फूड के साथ बफे काउंटर है। लाउंज के क्रूज के ऊपरी डेक पर 3 सनडेक, आउटडोर सिटिंग में स्टीमर चेयर्स और कॉफी टेबल के साथ बार भी हैं। एसी एंटरटेनमेंट रूम के अलावा स्पा से लैस सैलून की सुविधा भी यहाँ पर है। साथ ही म्यूजिक और किताबों के शौकीनों के लिए यहाँ गीत संगीत और लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है। क्रूज की लंबाई 62.5 मीटर और चौड़ाई 12.8 मीटर है। क्रूज में 40,000 लीटर का फ्यूल टैंक और 60,000 लीटर का वाटर टैंक है। सभी तरह की आधुनिक सुविधाओं वाला ये क्रूज पूरी तरह सुरक्षित है। क्रूज के स्वीट्स में सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट, फायर अलार्म लगे हैं। इमरजेंसी के लिए छोटी छोटी 4 स्टीमर भी क्रूज के साथ अटैच्ड हैं। ये क्रूज 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगा। नेशनल वाटरवेज 1 और 2 से गुजरेगा। इन नदियों में गंगा, भागीरथी, हुगली, मेघना, यमुना, पद्मा, ब्रह्मपुत्र अहम है। इस दौरान 5 प्रदेशों के साथ ही क्रूज बांग्लादेश से होकर सफर करेगा। वाराणसी, पटना, कोलकाता, ढाका, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ समेत 50 पर्यटन स्थल इस सफर में शामिल होंगे।
क्रूज का यह सफर पर्यटकों को भारत और बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता के अनुभव का अवसर प्रदान करेगा। काशी टू डिब्रूगढ़ सफर के दौरान क्रूज 50 से ज्यादा पर्यटक स्थलों पर रुकेगा। आशुतोष मिश्रा, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं कुछ दिलकश नजारे, लिए चलते हैं आपको देश के पहाड़ी इलाकों में। जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी ने नजारों को बेहद खूबसूरत बना दिया है। श्रीनगर से लेकर अनंतनाग तक बर्फबारी ने सैलानियों का दिल खुश कर दिया है। जी हां, देखिए बर्फबारी की तस्वीरें ही ऐसी हैं। केवल कश्मीर में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल में भी बर्फबारी का नया दौर शुरू हो गया है। दोनों ही राज्यों में कई जगहों पर बर्फबारी की तस्वीरें देखी गई हैं। बर्फ की मोटी सफेद चादर चारों तरफ बिछ गई है। ये तस्वीरें आंखों को सुकून देने वाली हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की हैं। आसमान से गिरते बर्फ के फाहों ने पूरे इलाके को सफेद रंग में रंग दिया है। जहां तक नजर जा रही है, बर्फ नजर आ रही है। ताजा बर्फबारी ने श्रीनगर को किसी चित्रकार की पेंटिंग सा बना दिया है। बर्फ की सफेद चादर से ढकी ये वादियां इन दिनों किसी जन्नत से कम नहीं दिखाई दे रही। वैसे तो जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और ये तस्वीरें इस बात पर मुहर भी लगाती हैं। कश्मीर के कई इलाकों में हो रही बर्फबारी से सैलानियों और कारोबारियों के चेहरों पर रौनक आ गई है। अनंतनाग में बर्फबारी के बीच सड़कों पर पर्यटक मस्ती करते हुए दिखे। आसमान से गिर रही खुशनुमा बर्फ से कश्मीर की सुंदरता देखते ही बन रही है। लाइफ में हम पहली बार कश्मीर आए, लेकिन कश्मीर को हम सोचे नहीं थे कि इतना हमको खूबसूरत लगेगा। मतलब स्वर्ग जैसा हमको यहाँ पर लगा। अच्छा, मतलब मन खुश हो गया। बहुत घूमने में मजा भी आया यहाँ पे और फुल एंजॉय किया। बर्फबारी के बाद सड़कों पर सफेद चादर ही दिखाई दे रही है, तो घरों और गाड़ियों को बर्फ ने अपने आगोश में ले लिया है। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। लंबे इंतजार के बाद हुई इस बर्फबारी से सैलानियों और कारोबारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी कई जगहों पर 6 से 8 इंच जो है बर्फ जमा हुई है और फिलहाल वहां पर यातायात चल रहा है। लेकिन अगर इसी रफ्तार से पूरे दिन कश्मीर में बर्फबारी होती रही है तो जाहिर है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी यातायात पर असर पड़ सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी से नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। शिमला, कुल्लू, रोहतांग टनल और लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी ने वादियों की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। बर्फबारी के बाद इन इलाकों में जहां तक नजरें जाएं, पूरा नजारा सफेद बर्फ की चादर में लिपटा दिखाई दे रहा है। सड़कों पर करीब 6 इंच मोटी बर्फ जम गई है। ऐसे में एक बार फिर से इन इलाकों में बड़ी तादाद में सैलानियों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। अटल टनल के साउथ पोर्टल पे लगभग 2 फुट के करीब अभी बर्फ है। तो जो हमारी सोलंग नाला से आगे 4x4 व्हीकल्स ही अलाउड है, चाहे वो टूरिस्ट हैं चाहे वो लोकल्स हैं। इसके अलावा जो लाहौल स्पीति के रहने वाले लोग हैं उनके यदि 4x4 व्हीकल्स है तो उनको आगे भी जाने दिया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों पर एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो चुकी है। इस बर्फबारी से सैलानी चहक रहे हैं और एक कारोबारियों के चेहरों पर भी मुस्कान ला रही है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं राजधानी के कर्तव्य पथ का और सुनाते हैं आपको गजब की शौर्य धुन। कड़ाके की ठंड के बीच हमारे जवान पूरे जोश के साथ गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटे हैं। जी हाँ, देखिए इन जवानों का जोश पुल ऑन हाई है। जोशीला कदम ताल इनके अनुशासन और जज्बे का परिचय देता है। सेना के बैंड देश के प्रति जवानों के समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक माने जाते हैं। रिपब्लिक डे परेड की तैयारी में भी कुछ ऐसी ही शौर्य धुन सुनाई देती है। आज का वीकेंड स्पेशल चाय पर चर्चा बेहद खास रहा ना, क्योंकि लोहड़ी सेलिब्रेशन में वक्त कहां गुजर गया पता ही नहीं चला। अब 2 दिन के बाद मेरी 3 दिन के बाद मुलाकात होगी।
देखिए लोहड़ी की बधाई तो हमने आज आपको दी ही है और मकर संक्रांति की एडवांस में शुभकामनाएं देते हैं, तो हम आपसे अभी विदा ले रहे हैं, लेकिन जीएनटी पर लोहड़ी का त्योहार सेलिब्रेट होता रहेगा, मकर संक्रांति भी मनती रहेगी। बने रहिए जीएनटी पर।